हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम GK का सेशन शुरू करेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जाम होगा आपका, उसका GK का सेशन शुरू करते हैं। इसमें मैकेनिक व्हीकल की 293 पोस्टें आई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सेशन, जीके का सेशन शुरू करते हैं आज की वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 23 जून, 5 जून, 21 जून। तो उसका सही आंसर है 21। इसमें से महत्वपूर्ण तिथियां और दिवस भी पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। शहीद दिवस 23 मार्च को, भगत सिंह। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। खेल, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल जयंती, सरदार, 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदना संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, देहरादून। तो इसका सही आंसर है देहरादून। सुदूर संवेदना संस्थान का स्थान की स्थापना सन 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? अकबर ने, शेरशाह, इस्लाम इस्लाम शाह, जहांगीर। तो इसका सही आंसर है शेरशाह। सड़कों में से एक है। शेरशाह ने इसका निर्माण 1542 ईस्वी में करवाया था। इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर है 25 लाख रुपए। इसको पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहते थे, 1992 से 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, कुश्ती, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन। तो इसका सही आंसर है भारोत्तोलन। मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का टोक्यो ओलंपिक में खाता खोल दिया था। मीराबाई चानू इम्फाल की रहने वाली है, मणिपुर, इम्फाल। मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में मिला था। मीराबाई चानू के वर्तमान कोच विजय कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है? पर्यावरण से, नवनिर्माण से, बिहार से, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है पर्यावरण से। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन 1972 में हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ से चिपक जाना। जब एक ठेकेदार ने गांव के समीप जंगल में अपने कर्मचारियों को पेड़ काटने के लिए भेजा, तो गांव की महिलाएं आकर पेड़ों से चिपक गई।
जिसके कारण कर्मचारी पेड़ नहीं काट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ताड़ी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था। ताड़ी विद्रोह आंदोलन का नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। इस नारे ने महिलाओं के साथ साथ व्यापक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के मुद्दों को प्रभावित किया था। इस आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं ने धीरे धीरे घरेलू हिंसा और दहेज जैसी समस्याओं को भी उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग संबंधित है अन्य पिछड़ा वर्ग से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अन्य पिछड़ा वर्ग से। पिछड़ा वर्ग क्या है? पिछड़े वर्गों में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इसमें कुर्मी, यादव, लोहार, कुम्हार जैसी अन्य जातियां को शामिल किया जाता है। भारतीय समाज के पिछड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा अनुसूचित जाति के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा है? 7%, 72%, 15%, 27%। तो उसका सही आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो उसका सही आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बांध परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन को माना जाता है। इस आंदोलन को चलाने के लिए मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया था? 8 अगस्त 1988 को, 8 अगस्त 1990, 8 अगस्त 1991। तो उसका सही आंसर है 8 अगस्त 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग बनाया गया था 1977, 1978, 1979, 1990, 8 अगस्त 1990। तो उसका सही आंसर है 1978 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेलकर आयोग स्थापित किया गया था जनवरी 1953 में, जनवरी 1955 में, जनवरी 1957 में, जनवरी 1959 में। तो उसका सही आंसर है जनवरी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाम सेफ के संस्थापक कौन थे? मायावती, रामविलास पासवान, बाबू कांशीराम, जगजीवन राम। तो उसका सही आंसर है बाबू कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मायावती, कांशीराम, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। तो उसका सही आंसर है कांशीराम। पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। अध्यक्ष, इसकी अध्यक्ष मायावती, लोकसभा नेता रितेश पांडे, राज्यसभा नेता सतीश चंद्र मिश्रा, संस्थापक कांशीराम, और स्थापित 14 अप्रैल 1984 को ही, 37 साल पहले। रंग नीला, चुनाव चिन्ह हाथी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।